नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा, न्याय की जीत। नमस्कार, मैं हूं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश के सागर शहर में एक घटना सामने आई है, जिसमें एक नाबालिग बालिका के साथ जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी प्रहलाद अहिरवार को अदालत ने सजा सुनाई है। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश बंडा आरपी मिश्र की कोर्ट में हुई और उसने आरोपी प्रहलाद को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक और दुखद उदाहरण है, जो हमारे समाज में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती हुई घातकता को दर्शाता है। इस दुष्कर्म के मामले की शुरुआत बेहद चौंकाने वाले तरीके से हुई थी। इसका आरोपी प्रहलाद अहिरवार नामक व्यक्ति है, जो अपने कार्यों के लिए कड़ी सजा से दंडित किए जाने का प्रतिबद्ध बना दिया है। इस मामले की जांच को सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने की थी और उन्होंने इसे पूरी ईमानदारी से प्राथमिकता दी। मामले की बड़ी रूपरेखा इस प्रकार है। 17 अक्टूबर 2016 को पीड़िता के पिता ने थाना बंडा में शिकायत की। उन्होंने अपनी बेटी की बिना स्पष्ट कारण के गायब हो जाने की रिपोर्ट की थी। यह घटना सबसे पहले उस दिन की है जब पीड़िता सुबह 7 बजे स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन उसके छुट्टी के बाद भी वह घर नहीं वापस आई और उसके माता पिता को उसकी चिंता होने लगी। इस संकट की घड़ी में पीड़िता के पिता ने उसके खोने की जानकारी पुलिस को पहुंचाई और उन्होंने उसकी खोज शुरू की। उन्होंने स्कूल, मोहल्ला और रिश्तेदारों के घरों में जांच की, लेकिन उन्हें उनकी बेटी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। तब पिता ने थाना बंडा में शिकायत कर दी। इस पर पुलिस ने मामले की सीधी जांच करना शुरू किया और उसके बाद दुष्कर्म की घटना का पता लगाया। पीड़िता की बयान में उसने कोर्ट के सामने यह कहा कि सड़क पर स्कूल जाने की राह में एक दिन सुबह 7 बजे उसके सामने आरोपी प्रहलाद मिले। आरोपी ने उसे धमकी दी कि वह उसके साथ चलेगी, अगर नहीं तो उसे और उसके पिता को जान से मार देगा। धमकी के बाद आरोपी ने नाबालिग को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद नाबालिग बेटी को दिल्ली में होश आया और उसने न्याय की तरफ बढ़ने का निर्णय लिया। इस मामले में पुलिस ने अपनी जांच पूरी की और उसने आरोपी प्रहलाद के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। जांच के बाद चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया गया और न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए और दुष्कर्म की घटना का विवरण किया। इसके परिणाम स्वरूप न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी प्रहलाद को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।